तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल डेज़ ऑफ खेरा में। मेरा नाम है मेघराज और आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आई एम अलाइव के बारे में। दोस्तों ये बेहतरीन शो आपको यार MX Player के थ्रू देखने को मिल जाएगा। बहुत दिन पहले ही दोस्तों इसके 13 एपिसोड्स को रिलीज कर दिया गया है सीजन 1 के, और इसमें लगभग मिला के 4 सीजन हैं और 52 एपिसोड्स पड़ते हैं, और बेहतरीन हिंदी डब के साथ हम लोग इसको MX Player के थ्रू आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। अब जानते हैं कि इसकी स्टोरी क्या होगी, ये कैसा होने वाला है, आपके लिए सारी बातें करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कहानी को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्त। ऐसी बेहतरीन सीरीज की जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। आई एम अलाइव, इसमें दोस्तों आपको एक्शन, ड्रामा, फैंटेसी, थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलता है। इसकी कहानी दोस्तों स्टार्ट होती है एंड्रिस, जो कि एक पुलिसमैन है। उसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी प्यारी सी बच्ची भी है। उसकी फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अचानक ही एक रात को कॉल आता है कि यार सीरियल किलर को पकड़ने जाना है, और वो एंड्रिस जो पुलिसमैन है वो निकल पड़ता है, और अचानक ही घटनास्थल पर उसकी मौत हो जाती है। उसकी फैमिली सदमे में आ जाती है, एंड वहीं से दोस्तों कहानी की असली शुरुआत होती है। मरने के बाद एंड्रिस यमराज के पास जाता है, मगर वहां पता चलता है कि एंड्रिस के मरने का टाइम नहीं आया है, तो एंड्रिस को किसी और की बॉडी में वापस धरती पर भेज दिया जाता है। जब वो मिलने जाता है अपनी फैमिली से तो उसकी फैमिली उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो किसी और की बॉडी में जिंदा हुआ है। अब कहानी कैसे नया मोड़ लेगी ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, और वो कैसे स्ट्रगल करता है, अपनी फैमिली को कैसे बनाता है, बहुत सारे यार दोस्तों इंटरेस्टिंग पॉइंट आते हैं, आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों इसकी स्टोरी कमाल की है, हमेशा यार पकड़ के रखती है, बांध के रखती है, और हर एपिसोड में एक नया रोमांच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसके कुछ सीन इसे 18+ बनाते हैं। इसकी सिनेमेटोग्राफी जो है वो ठीक ठाक की गई है। अब अगर बात करें यार बीच में थोड़ी सी बोर लग सकती है आपको, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो अच्छी होने की वजह से हम लोग आराम से देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें कि यार किनको ज्यादा पसंद आएगी, तो जो यूनिक वेब सीरीज और मूवी देखना पसंद करते हैं उनको तो डेफिनेटली दोस्तों पसंद आने वाली है, और जो थ्रिलर जैसी वेब सीरीज को देखना पसंद करते हैं उनको भी पसंद आएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट में लिख के जरूर बताना, ये सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट में लिख के जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल में नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और बेल आइकन दबा दो ताकि यार ऐसे ही वेब सीरीज के बारे में आप जान सको और इसे देख सको। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।